हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल खाना पीना और मज्जा में। आज हम बनाने वाले हैं सुरमई फिश फ्राई। उसके लिए मैंने ली है सुरमई फिश। मैंने इसे अच्छे से धो के कट करके लिया हुआ है। आपके पास अगर सुरमई फिश नहीं हो तो आप कोई और फिश का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकम आगर। आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने घर से नींबू का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। मैंने 2 चम्मच कोकम आगर डाला है। अब मैं फिश को दोनों तरफ से इस कोकम आगर को लगा लेती हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। थोड़ी सी हल्दी और 2 चम्मच मसाला। आप अपने घर का मसाला इसमें यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको बाजार में स्पेशल फिश फ्राई के लिए मसाला मिलेगा, आप उसका भी इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा। हम दोनों साइड से मसाले को फिश को लगा लेंगे। मसाला दोनों साइड से लग चुका है तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक क्रश। आप इसके जगह पर जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रश लगाने से उसका स्वाद और भी बढ़ता है, इसलिए मैंने जिंजर गार्लिक क्रश लगाया है। अभी इस फिश को 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। तक हम कोटिंग के लिए रवा लेते हैं। उसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मसाला। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिश फ्राई करने के लिए हमने लिया है आयरन का तवा। आयरन के तवे पे खाना बनाने के बहुत ही फायदे होते हैं, तो इसलिए मैंने आयरन के तवे का इस्तेमाल किया है। अब मैं फिश को इसमें अच्छे से कोट कर लेती हूँ और अब मैं इसे तवे पे डाल देती हूँ। इसी तरीके से अब मैं सारे फिश को रवा में कोट कर लूँगी और तवे पे फ्राई होने के लिए रख दूँगी। ये बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप कोई भी फिश का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप पॉम्फ्रेट, बॉम्बे डक, रावस, कोई भी फिश लेके इसी रेसिपी को फॉलो करके फिश फ्राई बना सकते हैं और वो काफ़ी टेस्टी बनेगा। तीन चार मिनट के बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे। तीन चार मिनट हो गए हैं, तभी आपको मैं फ्लिप करके बताती हूँ। काफ़ी आराम आराम से इसे फ्लिप कीजिएगा या फिर ये टूट जाएगी फिश। देख सकते हैं हमारी फिश एक साइड से काफ़ी अच्छे से पक चुकी है और उसका कोटिंग भी इसमें काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। मैं सारे फिश को पलट लिया है मैंने और दूसरी साइड से पकने के लिए रख देंगे और उसके बाद अभी मैं सर्व कर देती हूँ। देखिए हमारी फिश कितनी अच्छी लग रही है और टेस्टी भी लग रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।